हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मैं अभी यहाँ पे आधे रास्ते से कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। जल्दीबाजी में हम घर से निकले हैं, तो यहाँ पे अभी हम लंच के लिए रुके थे ना, तो यहीं पर ही मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से शुरू कर ली थी। तो यू भी मेरा बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे इसको अच्छे से फिट करा लिया था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके बाद तो हमने यहाँ पे लंच वगैरह किया, क्योंकि हम जा रहे थे आज ससुराल, और दीदी मेरे साथ पहली बार जा रही थी, क्योंकि हमारे घर में ना पूजा है, तो दीदी को भी मैं साथ में घुमाने ले जा रही थी इस बारे। तो गाइस, लंच करने के बाद हम आगे के सफर को बढ़ गए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, नदी कितनी सूखी हुई है, लेकिन ये नदी ना बरसात के टाइम पे बहुत भयानक रूप लेती है, क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर का सारा पानी इसी नदी से आता है। तो आप देख सकते हैं ना गाइस, ये जो रोड जा रही है ना, ये सामने गाँव आप देख रहे हैं, ये हिनू ब्लॉगर जो उत्तराखंड की मशहूर ब्लॉगर है, उसका ये गांव पड़ता है। इसके बाद बस थोड़ा सा आधा घंटे बाद जाकर हमारा गांव आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे सामने से यही गांव है, लेकिन मैं जूम करके दिखा रही थी, लेकिन मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है। तो मैं पहुंच गई थी ससुराल पे, और रोड अब मेरी ना ससुराल पे आने लगी है, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, तो तब ये रोड नहीं आई थी। थैंक गॉड अब आ चुकी है, तो आराम से हम सफ़र करके अपने ससुराल तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हमारी चल रही थी, तो यहाँ पे उसके बाद हम बस 5 मिनट पड़ता है, बस रोड से बस 5 मिनट लगता है मेरे ससुराल का। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं गाइस, जो ये यहाँ पे ना खेत, कोई बोल नहीं सकेगा कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर इतने प्लेन खेत भी होंगे। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेन प्लेन खेत हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ को बाद में बेटा, बाद में जाएंगे। आयाश आ जाओ पहले। यूवी कहाँ गए आप? अब कहाँ गए? ये देखो, इन्होंने कहाँ गया? अब कहाँ गए हैं? दादू के घर में। किसके घर में? दादू के घर में। गिर जाओगे यहाँ से, गिर जाओगे। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ फाइनली घर पे, और काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र रहता है मेरे ससुराल का। सुबह 8:30-9 बजे के बैठे हुए, अभी 6 बजने वाले हैं, और टाइमिंग इतनी ज़्यादा, पूरा दिन लग गया। थोड़ा बहुत तो मार्केट में थोड़ा सामान खरीदना था, तो वैसे भी टाइम लगा हमारा। और तो गाइस, यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड दीदी को बता रहे थे कि यहाँ पर से कितने दूर गढ़वाल बॉर्डर है और पिंडारी ग्लेशियर। तो आप जो पहाड़ी देख रहे हैं ना, इसके पीछे से गढ़वाल की गांव शुरू हो जाते हैं, और 2-3 पहाड़ियाँ छोड़कर मतलब राइट हैंड पे पिंडारी ग्लेशियर शुरू होता है। तो ये मेरे ससुराल का घर है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर से, और ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। रात के खाने की तैयारी होने लग गई है। यहाँ पे आलू काट रखे हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर है, और जो ये नल देख रहे हैं ना आप, इसमें ना बांज के पेड़ों से आता है पानी, तो ये ऊपर एक जहाँ परमानेंट आता है, और इतना शुद्ध बिल्कुल साफ पानी, और इतना मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें गंदगी होगी, बिल्कुल और रोज का हुआ ये पानी। यहाँ पे गर्मियों में भी, अभी ठंड का जैसा मौसम है, तो यहाँ पे स्वेटर पहनने की ज़रूरत हो रही है शाम के समय, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है। और पीछे से हैं हस्बैंड मेरे। वाह, आपको कैसा लग रहा है अपने घर आकर? जन्नत में पहुँचे भाई, हम जन्नत में। आपको तो अच्छा है, तो यही है इनका तो घर ही है, इनको तो लगेगा ही है इनका तो घर है, इनको तो अच्छा लगेगा ही। पर लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है, जब भी मैं छुट्टियों में आती हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना मौसम बिल्कुल साफ रहता है और ठंडी ठंडी हवा। लेकिन ठंड के टाइम पे यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि बर्फ़ भी गिरती है, और छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, दीदी ने पकड़ा है नीनू यूवी को, और पीछे से मेरी देवरानी बना रही है सब्जी की तैयारी, कर रही है रात के खाने की तैयारी। तो गाइस, मेरे ससुराल में ना 2 किचन है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये पुराना किचन है, इसमें जो मिट्टी वाला चूल्हा होता है ना, वो वाला बनाया गया है। और एक किचन सामने है उसका, वो वाला किचन मैं बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला किचन दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे ना मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है, और यहीं पर ही ज़्यादा खाना बनता है हमारा। तो यहाँ पे लाइट नहीं है, तो अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है आपको।
गाइस मैंने आपको पुराना वाला किचन दिखाया था जो मिट्टी का है, और ये वाला किचन है जिसमें गैस रखी हुई है, तो कभी कभी खाना इसमें ही बनाती हूँ मैं। जब आती हूँ मैं तो इसी में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे खा रहे हैं ये लोग खाना शाम को। पेट में दर्द हो गया बेटा? नहीं नहीं, ये तो गाइस ये है मेरे ससुराल का किचन, छोटा सा। कैसा लग रहा है आपको जरूर बताना कमेंट करके, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। और जब भी मैं आती हूँ ना, मैं इसी में ही बनाती हूँ वैसे, क्योंकि मिट्टी के चूल्हे में तो बनता नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी इस बार मिट्टी के चूल्हे में बनाऊँ। और यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं दाल चावल दिन का। तो गाइस मैं अपनी देवरानी के ना एक सूट लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ना ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। वैसे ही मैंने काफ़ी टाइम से उसके लिए कुछ बनाया नहीं था। वैसे पहले मैं एक बार ना कुर्ती प्लाजो लेने की सोची थी, लेकिन मुझे इसके साइज का कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने सोचा मैं सूट का पीस ले जाती हूँ तो अपने साइज का सिला लेगी। और कैसा लग रहा है आप भी बताना जरूर। येलो कलर का सूट ली है इस बारा।